आज ही क्लास में शुरू करने जा रहे हैं आईसीटी एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंप्यूटर सुरक्षा के लिए खतरे, यानी कि कंप्यूटर को कौन कौन से खतरे होते हैं उसके बारे में क्या है हम यहाँ पर संक्षेप में जानेंगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको सॉफ्टवेयर की क्लास जब ली थी तो उसमें सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो कंप्यूटर के रख रखाव पर नियंत्रण रखता है ना, कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है। तो ये कार्य किसका होता है, सॉफ्टवेयर का, वो उस पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। लेकिन जो मालवेयर होता है तो मालवेयर क्या है, दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, इससे क्या है सिर्फ कंप्यूटर को हानि पहुंचती है। तो खतरे भी किससे होते हैं कंप्यूटर को, मालवेयर से। तो देखिए ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को हानि पहुँचाते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहले आपका आएगा वायरस, तो वायरस की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज, पूछी जाती है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। वायरस वे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, है ना। और अगर ये किसी के कंप्यूटर में आ जाएं तो ये क्या है, इसका परिणाम क्या होता है, विनाशकारी होता है, यानी कि आपकी डाटा या तो डिलीट कर दिया जाएगा या फिर वो लीक कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें वायरस के कुछ प्रकारों के बाद, तो बूट सेक्टर ये आपके स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता है, मैक्रो वायरस हो गए, फाइल इन्फेक्टर हो गया, ये फाइल को नष्ट करता है या हैक करता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस हो गया, ठीक। इसके बाद एक बॉम्ब्स, तो बॉम्ब्स क्या है, कंप्यूटर बॉम्ब एक अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटर में अपने आप को फैलाने के लिए कॉपी करता है, यानी कि अपने आप को दूसरे कंप्यूटर में फैलाता है। उसके बाद क्या है, ये कंप्यूटर के जितने भी डाटा हैं उनको हैक करता है। ट्रोजन क्या है, ट्रोजन का देखिए दूसरा नाम क्या है आपका, ट्रोजन हॉर्स। इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ट्रोजन हॉर्स है वो क्या सिक्योरिटी में काम आता है या फिर ये मालवेयर है। तो याद रखेंगे क्या है, ये मालवेयर है, ठीक। तो यह एक प्रकार का नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है जो किसी भी इच्छित कार्य को पूरा करते हुए प्रतीत होता है, पर यह उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर अनाधिकृत उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा देखिए स्पाईवेयर, जैसे शब्द से स्पष्ट हो रहा है स्पाई यानी कि छुपकर कार्य करना, तो जो स्पाईवेयर होता है यह भी क्या छुपकर किसी भी कंप्यूटर या फोन में घुसता है। जैसे आने से तात्पर्य क्या होता है, जैसे हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे पीडीएफ कोई डाउनलोड कर रहे हैं, तो क्यों कहा जाता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं, अन्य वेबसाइट पर ना जाएं, क्योंकि जो अनाधिकृत वेबसाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें ऐसे वायरस और स्पाईवेयर मालवेयर छुपे हुए होते हैं। तो उनका कार्य ही ये होता है कि किसी ना किसी कंप्यूटर के अंदर जाएं और जो डाटा है उसे नष्ट करें या लीक करें। तो इसीलिए हमेशा कोई भी हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो सिक्योरिटी वाली वेबसाइट से ही डाउनलोड करनी है। देखिए कितना भी कार्य आज हो रहा है वो या तो गूगल क्रोम पे मिलेगा आपको या याहू डॉट कॉम पे मिलेगा, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग किसके क्षेत्र में हो रहा है, गूगल डॉट कॉम पर। तो यह प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होता है जो सिस्टम के मालिक की सभी गतिविधियों की निगरानी तथा गलत तरीके से आगे प्रयोग होने वाली सभी जानकारियों को एकत्रित करता है, ठीक। तो स्पूफिंग क्या है, देखिए मालवेयर के बारे में मैंने आप आपको बताया, इसके अतिरिक्त कुछ और भी मालवेयर होते हैं। तो सबसे पहला आपका आएगा स्पूफिंग, तो अनाधिकृत डाटा को उसके अधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक को स्पूफिंग कहते हैं। यानी कि स्पूफिंग क्या है, जिस व्यक्ति का डाटा है उसे बिना बताए उसके डाटा में हेर फेर कर देना या हटा देना, ये हमारा कह जाएगा स्पूफिंग। हैकिंग क्या है, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में चोरी करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। जैसे आपको पता वर्तमान समय में हैकिंग चली रही है, किसी की डाटा को हैक कर लेना, फोन को हैक कर लेना, तो पूरा एक्सेस क्या है हैकर के पास आ जाता है, तो वो कुछ भी कर सकता है और इसका अपराध है कि विनाशकारी भी होता है। हैकिंग के चक्कर में जाने कितनी ही मृत्यु हो चुकी हैं। इसीलिए कोई भी अननोन पर्सन को अपना फ़ोन ना दें, ना अपना पर्सनल कंप्यूटर दें, है ना, ना कोई ऐसी जानकारी उन्हें दें जिससे क्या है फ्यूचर में आपको परेशानी हो। अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उनका डेटा लीक ना हो जाए। अब लीक क्यों होता है, जब कोई उनके डाटा को हैक कर लेता है। इसीलिए देखिए सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी हो गई है। तब तो देखा होगा जो बड़ी बड़ी फाइलें जो होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में या शिक्षण संस्थान में, एग्जाम में देख लिया, अगर ऑनलाइन कोई एग्जाम हो रहा है तो उसमें सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि पेपर पहले लीक ना हो जाए। क्यों, क्योंकि पेपर हैक कर लिए जाते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति कार्य करता है कौन कहलाता है आपका, हैकर, ठीक। क्रैकिंग क्या है, तो ये कंप्यूटर में किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर उनके घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक। फिशिंग देखिए, तो कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारियों को धोखेबाजी से प्राप्त करने की कोशिश करना इत्यादि विशेषताओं को फिशिंग कहते हैं। यानी धोखे से किसी के डाटा को अपने फ़ोन में कर लेना, ये क्या है आपका, फिशिंग कहलाएगा। एडवेयर क्या है, तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, पैकेज है, जो एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े पर स्क्रीन पर दिखाता है। देखिए जब कभी हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो
ऐड आते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक ऐड देखने को मिलते हैं और वो भी टुकड़ों में। तो वो देखिए किसका उदाहरण है आपके एडवेयर का, ध्यान रखेंगे रूट किट्स। तो ये एक प्रकार का मालवेयर है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर की नियंत्रता प्राप्त की जा सकती है। वह इसी की जानकारी किसी को भी नहीं होती। ये तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा फ़ोन बिना हमारे कंट्रोल के चलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम चला कुछ हो रहे हैं, साइट चेंज हो रही है, बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये किसके लक्षण, आपके रूट किट्स के, है ना। तो ये सारी चीज़ भी क्या हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए कंप्यूटर खतरे इन सब चीज़ों से हैं, तो बचाव कैसे करें, तो बचाव के लिए उपाय हैं। तो क्या हैं, पहला आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये उस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस, स्पाईवेयर, वॉर्म, ट्रोजन आदि से बचने में होता है। उदाहरण अवस्त, AVG, नॉर्ट्रॉन, MZFEE आदि। अवस्त आपके स्मार्टफोन में भी देखने को मिलेगा। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्यों आवश्यक है, अगर गलती से आपके फ़ोन में वायरस आ भी जाए तो ये सॉफ्टवेयर जो होगा वो आपके वायरस को ख़त्म कर देगा, इसीलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है, ठीक। उसके बाद देखिए डिजिटल सिग्नेचर। तो यह सिग्नेचर का डिजिटल रूप है जिसे प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए कोई भी हम फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें सिग्नेचर आपके डिजिटल क्यों मांगे जाते हैं, इसलिए मांगे जाते हैं ताकि आपकी उसमें स्वीकृति हो कि हाँ इस व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से ये कार्य किया है। वरना तो ऐसे अगर कोई हर कोई दूसरे का साइन करने लगे तो ऐसे तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, है ना। तभी तो अगर गलत साइन भी कोई करता है दूसरा व्यक्ति तो वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो इसीलिए तो डिजिटल सिग्नेचर बनाया गया है ना सिक्योरिटी की दृष्टि से। दूसरा देखिए फायरवॉल। ये पूछा गया था कि फायरवॉल आपका वायरस है, मालवेयर है या आपका सिक्योरिटी करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो क्या है आपका फायरवॉल, ये सिक्योरिटी करता है किसकी, कंप्यूटर की। तो फायरवॉल या तो सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर पर आधारित हो सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इनकमिंग तथा आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को डाटा पैकेट विश्लेषण द्वारा नियंत्रित करना है। यानी कि जो फायरवॉल है वो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक, उसको क्या है नियंत्रित करता है। अगर उसमें कोई वायरस आ गया है या कोई गलत गतिविधि उसमें हो रही है, ठीक है, तो इसको क्या है नियंत्रित करता है। अब देखिए हार्डवेयर के दो प्रकार हैं। तो इसमें हार्डवेयर के पहला प्रकार क्या आएगा आपका, सॉरी फायरवॉल का पहला प्रकार क्या है, हार्डवेयर फायरवॉल। दूसरा आपका आएगा सॉफ्टवेयर फायरवॉल, ठीक। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। तो डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में प्रयुक्त होने वाली कॉपी है। डिजिटल सर्टिफिकेट किसे प्रेषित किया गया था, वह इसे किसने प्रेषित किया, यह इत्यादि जानकारी इसमें सम्मिलित होती है। देखिए UGC नेट का जो रिजल्ट हमें मिलता है वो डिजिटल ही तो मिलता है, तो क्यों मिलता है, वो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से मिलता है। अब देखिए जब आप रिजल्ट डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपका पासवर्ड होता है, अगर आप जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ताकि कोई भी आपके सर्टिफिकेट को का मिसयूज़ ना कर सके, ठीक है। अब देखिए पासवर्ड, जैसे मैंने पासवर्ड की बात कही, आप कोई सा भी फॉर्म भरिए, कोई भी कार्य कीजिए, हर किसी में पासवर्ड लगता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो देखिए उसमें दो तीन बार पासवर्ड मांगता है। क्यों मांगता है, ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे, कहीं आपका फॉर्म हैक ना हो जाए, आपकी जानकारी लीक ना हो जाए, तो इसीलिए तो पासवर्ड मांगा जाता है। हम देखिए अपने हर एप्लीकेशन में पासवर्ड क्यों लगाते हैं, ताकि हमारी बिना अनुमति के कोई भी हमारे फ़ोन में कोई अपना हस्तक्षेप ना कर सके, यानी कि कोई भी गतिविधि ना कर सके, इसीलिए तो पासवर्ड लगाया जाता है, इसीलिए तो लगाया जाता है। तो ये तो हो गया समाधान। तो आज की क्लास में क्या है, हमने कंप्यूटर को किन किन मालवेयर से खतरा है, उनके क्या क्या नाम हैं, उनके बारे में जाना, और इनका क्या समाधान हो सकता है, कैसे हम इन खतरों से बच सकते हैं, उनके बचाव के बारे में चर्चा की। तो आज की क्लास में क्या है, हमारी ICT की जो इकाई है समाप्त होती है। देखिए ICT में जो भी कराया गया है वो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं,
वही कराए गए हैं, अन्य टॉपिक नहीं कराए गए हैं। क्यों नहीं कराए गए हैं? क्योंकि क्वेश्चंस इनमें से ज़्यादा बनते हैं। ये आपका आईसीटी नहीं, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका कम्युनिकेशन, सब में क्या है, हमने उन्हीं टॉपिक को रखा है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली इकाई में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।